परचा दे दीजिए नाम बताइए। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जिन्हें भी संगत पंजाब तो श्री कांची बनारस श्री गुरु रविदास महाराज जी के गुरपुरब से पहुंची है, सारे बहुत बहुत मुबारक जी। मेरा नाम ऋषि, जिला नवांशहर, पिंड बखलौर है जी। और गाड़ी से आप लोग आए हैं अभी? हम स्पेशल गाड़ी, जो गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल गाड़ी है, उसमें आए हैं अभी। कितना इंतजार रहता है इस? बहुत इंतजार रहता है, बहुत उत्साह है, जितनी भी संगत है उसमें बहुत उत्साह है। और जो पूरा प्रोग्राम हम और बहुत अच्छे से देखेंगे। कितने लोग आए हुए हैं वहाँ से? वहाँ से बहुत लोग आए, अभी एक गाड़ी आई है, अभी एक गाड़ी जो डेरा सचखंड बल्ला से आएगी, वो एक गाड़ी पीछे है, वो एक बठिंडा से आएगी, जो संत महापुरुष जिसमें आएंगे वो आगे पीछे है। तो कितनी भीड़ होगी? बहुत भीड़ होगी अभी, तो बहुत भीड़ होगी जी, बहुत भीड़ होगी। अभी तीन गाड़ी और गए, आज एक गाड़ी शाम को बठिंडा से 9 बजे रात को आएगी, और एक जे पहुँची है, और अभी और दूसरी आएगी जलंधर से, वो संत महापुरुष से। सभी को अपना परिचय दीजिए, नाम बता दीजिए। मेरा नाम है निर्मल सिंह कामरेड, जिला जलंधर तो असं आए हैं बाबा जी के दर्शन कर, दो चार दिन से रहेंगे, तो बड़ी खुशी नहीं जावे। बाकी जिते बाबा जी का स्थान है वह लख लख कोट प्रणाम। कितने वर्षों से आप यहाँ आ रहे हैं? हाँ जी, कितने वर्षों से आ रहे हैं? प्यार तो जो जो सा जन्म होया उदों तो ही प्यार है। यहाँ कैसा लग रहा है आप बहुत अच्छा लग रहा, जो असं अच्छा करके इतने आए हैं, असं बहुत अच्छा है, ऐसा जो गुरु कोई होना ही नहीं दुनिया पे। हम जी अपना नाम बता दीजिए। जो बोले सो निरपय सतगुरु रविदास महाराज की जय। हमें जहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है, हम 6 साल से जहाँ आ रहे हैं, तो अभी भी हमारा अंजल था, हम आ गए हैं, तो गुरु जी के दर्शन करके बढ़िया लगता है, मन को शांति मिलती है। कल देश के प्रधानमंत्री भी प्रोग्राम में रहेंगे, प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे, और उनके संसदीय क्षेत्र में आके कैसा लग रहा है आपको यहाँ? अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से प्रतिमा का? हम यही कहना चाहते हैं कि जो लोग बेरोजगार है उसको काम दे, जो हम 25 फुट की मूर्ति जो हमारे संत रविदास गुरु रविदास महाराज जी की लगी है, जो प्रधानमंत्री जो उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं, हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। पहले के बनारस में कितना अंतर लग रहा है, आप आ रही हैं? तो मैं 2021 में आई थी, अब 3 साल बाद आ रही हूँ, कि अब देखेंगे कि नया क्या है। बोल जी अपना नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम सुनीता है। सारे जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। हम पंजाब से आए हैं, 2012 से हम कांची शहर के दर्शन करने आते हैं। सो इस बार हमें आकर बहुत ही खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री जी मूर्ति का करने आ रहे हैं, हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी है। कल एक प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे रविदास जी के प्रतिमा का, तो कितना अच्छा लग रहा है इस तरह की प्रतिमा का अनावरण? बहुत ज़्यादा हमें खुशी हो रही है कि हमारे प्रधानमंत्री जहाँ पर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुशी है। कॉल पंजाब फुवाड़ा से, और धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी का जो 647वां गुरपुरब है उसको मनाने के लिए पंजाब से लाखों की तादाद वाराणसी आ रहे हैं, और इस दिन का हर को बहुत इंतज़ार रहता है, और सब लोग खुश खुश आते हैं, और परमपिता परमात्मा धन धन सतगुरु रविदास के यही प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि हमारा देश भारत जो है वो तरक्कियाँ करे, और इसी तरह ये लोग यहाँ आते रहें, अपनी मनोकामना पूरी करते रहें, और मेरी तरफ से, मेरे पंजाब की तरफ से सभी लोगों को
बहुत बहुत मुबारकबाद। कल के प्रोग्राम में प्रधानमंत्री जी भी रहेंगे और कांसे की जो प्रतिमा है 125 फीट की उसका उद्घाटन भी करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और यहाँ के जो प्रतिनिधि प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और उन्होंने अपने नेतृत्व में तन तन सतगुरु रविदास महाराज की जो प्रतिमा बनाई है उसके लिए उनको शुभकामनाएं और हमारे तरफ से सभी लोगों को, सभी समाज को बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये आस करते हैं कि इसी तरह प्रधानमंत्री जी अपने जो उनका जो क्षेत्र है जहाँ से वो MP बनते हैं और लोग उनकी जो उनके प्रति जो आशा है, जो उनके अपेक्षा हैं, वो तन तन सतगुरु रविदास महाराज के जो बेगमपुरा की बात की है, बेगमपुरा शहर को नाऊँ दुख रोग नहीं तो उठाऊँ, ना तस्वीर खराज ना माल, खौफ न खता न तरस ज्वाल। जो आज हमारा संविधान है वो उनकी ही तरफ से, जो उन्होंने बेगमपुरा की बात की थी उनके आधार पे आज हमारा संविधान है और सभी लोग खुश रहें, कोई दुखी ना हो, कोई गरीब ना हो, सब लोगों को लाख लाख मुबारकबाद, बहुत बहुत धन्यवाद।